कलकत्ता की सुबह रोजमर्रा की तरह पुरजोश थी। मैं एक्सीडेंट के काफी दिनों के बाद बिस्तर से उठा। हांपती कांपती जिंदगी, गाड़ियों का वही शोर, वही ट्रामों की टनटन की आवाज, वही पुरानी होटल की नौकरी मेरी मुंतजर थी। मैंने बाइक चलाने का इरादा मुलतवी करके रिक्शा लेना मुनासिब समझा। एक अधिगढ़ उम्र का रिक्शा वाला अपनी कुल मताए कायनात यानी रिक्शे को समेटे बैठा था। रिक्शा। हाँ साहब। हीरा हॉलीडे इन चलोगे? हाँ जाएंगे साहब। 40 रुपये लूँगा। 40 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है। 20 रुपये दूंगा। तुम चलना है तो चलो, मेरे पैर में चोट लगी है, 20 दिन तक मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम चल सकते हो। अरे आपके पाँव में चोट है, आप जो मुनासिब होगा दे दीजिएगा, मैं ले चलता हूँ। बैठिए, आइए बैठिए। थोड़ा संभल के, संभल के थोड़ा सा। हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठिए बैठिए। ठीक है बाबूजी, बैठिए चलिए। बाबू जी थोड़ा हट के भाई। हे रिक्शा, मेरा नाम जसीमुद्दीन है। तो जसीमुद्दीन नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला के रहने वाले हम। कितने बच्चे हैं? हाँ जी, 4 लड़की 1 लड़का, 3 का ब्याह दे दिया है हमने, 1 बच्ची है। क्या कहें बाबू जी, अब सर पे 1 बचिया का ब्याह करने का है। अब 2 महीना समय है, 2 महीने के बाद हमें गांव भी जाना है बचिया के लिए। और बाबूजी सब ठीक से बैठिए। अरे जरा गाड़ी देखकर चलाओ। हाँ बाबूजी, आपके पाँव में जो चोट लगी थी बाबूजी, कैसा है अभी? हाँ बाबूजी चलिए, आपको होटल तक छोड़ देते हैं। जसीम मियां की कहानी वही पुरानी थी। सड़क पे नहाना, जिंदगी गंगा की पानी की तरह बह रही थी। सब दौड़ रहे थे, सारा शहर दौड़ रहा था। पता नहीं ये भाग दौड़ कहाँ जाकर रुकती है। अपनी सवारियों का इंतजार करते जसीम ने कभी कभी अपाहचों को मुफ्त सवारी भी देती। भाई थोड़ा साइड हो जा, आइए आइए, ये मौका है आप लोग का सेवा का। ठीक से बैठिए, ठीक ठीक से। हाँ हाँ इतना से बैठिए, पहुँचा देंगे आपको, चिंता मत करिए, आप ठीक से बैठिए। हाँ पीछे हट के बैठिए। हाँ बस चलते। हाँ थोड़ा ठीक है। उनका मोटिया दोस्त रघु कभी सिनेमा देखते हैं? भैया हमें के 2 टिकट्स दो भैया, 2 टिकट्स। कभी गलियों में चहलकदमी करते हैं, कभी ट्राम की सैर करते। चला रे आज घट आ रहे, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, घर में सब ठीक ठाक है। हाँ चलो आज मौके पे तुमको हम कुछ खिलाए ला दें।
अपने होटल में किसी वादा कर रहे हैं। आज की दी हुई पार्टी रघु की तरफ से थी। वो दुबई जा रहा था और उसने एक शानदार से भटियारा खाने का इंतखाब किया जसीम मियां। हाँ हाँ, तुम खाओ खाओ तुम भाई। हाँ, प्लेट चावल दो, दाल मार देना भैया। लेकिन जनाब, दावत में बिरयानी नहीं, उन्होंने दाल और चावल मंगवाया था। जो उनके लिए बिरयानी से बेहतर था, और दावत के बाद तो पान खाना लाजमी था। दिन वही था, रिक्शा वही, और जसीम मियां वही। वही कढ़ाइयों में छनते चिकन पकौड़े, खांचा वालों की आवाजें, तंदूर में भुनते हुए कबाब, और जिस्म खुजाते हुए जानवर। मैं न्यू मार्केट के मुर्गी खाना में ऑर्डर देकर जसीम मियां के रिक्शे तक पहुंचा। मैंने जसीम मियां से पूछा, क्या बात है, आज आपके चेहरे पर बहुत रौनक नजर आ रही है। उन्होंने कहा, हाँ साहब, आज सुबह सुबह बेगम का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी को बच्ची पैदा हुई है। और उनकी बातें सुनकर मैं भी बहुत खुश हुआ और मैंने भी उन्हें मुबारकबाद दी। फिर जिंदगी का वही शोर हम दोनों का मुंतजर था। कलकत्ता की शाम, घर जाते हुए जसीम मियां, रात के थके हुए मुसाफिर, हावड़ा ब्रिज के साथ आंखें मूंदने को तैयार थे। एक नई सुबह का सूरज तुलू होता है, परिंदे चहचहाते हैं, सुबह को खुश आमदीद कहते हैं। और फिर शाम, मैं आ रहा हूं। बहुत शानदार है यो यो बंगला। अरे बहुत महंगा है। जसीम मियां, अच्छा आप आ गए, बैठिए बैठ। अरे ऊपर बैठिए। नहीं नहीं बाबू जी, ठीक, अच्छा बैठ जाते। गुप्ता जी, चाय दीजिएगा, एक कप दीजिएगा। हाँ जसीम भाई, बोलिए, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है।
میری گفتگو جاری تھی اور وہ کافی غور سے ہوٹل کا معائنہ کرتے رہے۔ अरे भाई, तू दुबई जा रहा है? हाँ चाचा, इसीलिए सोचा कि खिदरपुर में सबसे मिलकर आ जाए। तू चला जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे तुम तो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी झूरू हूँ। तू तो मेरा सब कुछ है भाई, जब से तुझसे दोस्ती हुई ना भाई। हाँ चाचा, बहुत अच्छा, तुम्हारी याद मुझे बहुत आएगी। और हाँ, मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना। चलो खिदरपुर चलते हैं। चल चलते हैं। हेलो मैडम, रिक्शा में चलने का मैडम? जसीमिया। हाँ, बोलिए साहब जी। हाँ, बोलिए। अरे अरे, आपको तो तेज बुखार है और आपके पैरों से खून बह रहा है। मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, आप किसी डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा साहब, ठीक है। मैं किसी दूसरे रिक्शे से चला जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखलाइएगा और दो तीन दिन रिक्शा नहीं चलाइएगा। हाँ समझ गए, मैं किसी दूसरे रिक्शे से चला जाता हूँ। ये क्या, आपने फिर रिक्शा थाम लिया? हाँ साहब जी, दवा ले ली है। ये देखिए, ये देखिए, ये लगाइए। आपसे तो बहस करना ही फजूल है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, हम दो बच्चों के बाप हैं और बच्चों जैसी बातें करते हैं।
हम गरीबों को तो काम करना ही पड़ेगा साहब। सुबह घर पे आ रहा हूँ। और ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर काफ़ी ठीक हो गए हैं, मैं स्कूटर लेकर चला जाऊँगा। आपके लिए भी एक खुशखबरी है, मैंने आपके लिए भी ई रिक्शा का इंतज़ाम कर लिया है। ई रिक्शा? हाँ। क्या होता है? टोटो। टोटो? बैटरी से चलने वाला रिक्शा। एमपी फंड से रिक्शा निकाल रहे हैं, उनमें से एक रिक्शा आपको भी दिलवा देंगे। लेकिन ये टोटो कहाँ मिलेगा? शहर में चलने लगा, देख लीजिएगा, और चलाना भी बहुत आसान हो गया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, हफ्ता भर बाद टोटो मिल जाएगा आपको। और हाँ, आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। एमपी साहब से मिलने जाएगा तो इसे पहन कर जाइएगा। जी साहब जी। ए बाबू आ जा, मेरा बाबू आ गया, प्यारे बाबू आ गया, आ जा बाबू, चल बाबू, हाँ बाबू बैठ जा बाबू, हाँ स्कूल जाएगा बाबू, मेरा बाबू अच्छा बाबू स्कूल जाएगा, हाँ चलो बाबू, हाँ ठीक है बैठो, ठीक से बैठो बाबू। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जसीम भैया आप तैयार हैं? इस कुर्ते में तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। साहब जी ये कुर्ता बहुत चुभ रहा है, बहुत चुभ। हाँ, पसीने से लबरेज मैले कुचले कपड़ों की आदत पड़ी है आपको, ये नए कपड़े आपको कैसे अच्छे लगेंगे? साहब जी। हाँ बोलो। मुझे नहीं चाहिए ये आपका ये कुर्ता, नहीं चाहिए मुझे आपका ये टोटो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे ये रिक्शा प्यारा, मेरे हाथों में छाले पड़े, मुझे मेरे यही रिक्शा प्यारा, मुझे यही कुर्ता, मैं ये रिक्शा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो जैसी आपकी मर्जी।
जसीम मियाँ, जसीम मियाँ, जसीम मियाँ ऊपर, कैसे हैं आप? सलाम साहब, आ जाइए। नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं घर पर ही रहूंगा।